रेत बजरी संघर्ष मोर्चे के बैनर की अगवाई हेठ रेता बजरी संकट के हल और नजायज माइनिंग के नाँ हेठ जेसीबी टिप्पर उपर दर्ज हुए केस रद्द करवाने से होर मंगां नूं लैके वख-वख जथेबंदियों ने बबरी बाईपास गुरदासपुर ते धरना लगाया और पंजाब अते केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। नाल उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अपनी नवी माइनिंग पॉलिसी तहत लोगों नूं खज्जल खुआर कर रही है। धरना प्रदर्शन कर रहे वख-वख किसान आगुआ ते क्रैशर मालकां ने पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने नवी माइनिंग पॉलिसी तहत रेत बजरी नाल जुड़े हर एक वर्ग नूं खज्जल खुआर किया है। उन्होंने कहा कि क्रैशर का काम बंद होने कारण मजदूर किसानों टिप्पर चालकों जेसीबी चालकों का घर चला औखा होया पिया है। पंजाब सरकार ने नजायज माइनिंग के नाँ हेठ कई जेसीबी टिप्पर चालकों उपर मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने अज धरना प्रदर्शन कर पंजाब सरकार को चेतावनी दी है कि जेकर उनका कारोबार शुरू ना किया गया और जेसीबी टिप्पर चालकों उपर दर्ज हुए मामले रद्द ना किए गए तो वह संघर्ष को होर तिखा करने के लिए मजबूर होंगे तो नैशनल हाईवे भी रोके जाएंगे। मैं बलबीर सिंह रंधावा, पंजाब किसान मजदूर यूनियन ते रेता बजरी संघर्ष मोर्चा जिहड़ा गुरदासपुर ते पठानकोट दीआं लोक जथेबंदियां ने रल के बनाया उहदा आगू आ जी। ये अज दा जिहड़ा सद्दा दित्ता गया ये जो नजायज़ माइनिंग दे नां थल्ले गुरदासपुर ते पठानकोट जिलिआं दे विच जिहड़ा खड्डां दे विचों पत्थर बजरी ते दरियावां दे विचों जिहड़ा रेता कढ़न दे उत्ते जिहड़ी आ उह पूर्ण पाबंदी ला दित्ती गई है उहदे खिलाफ है कि क्योंकि इस पाबंदी ने साडे दोनों जिलों के पूरे जन जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिता वा, ठप करके रख दिता है, साडी जिंदगी की तौर है जिहड़ी उहनू जिहड़ा वो बंद कर दिता क्योंकि इहदे नाल बहुत वड्डा हिस्सा साडे समाज का प्रभावित हो गया। कहण नूं सरकार दे दावयां दे मुताबिक हाई कोर्ट दे फैसले दे अनुसार गवर्नर पंजाब दे कहण दे अनुसार कि नजायज़ माइनिंग हो रही है पर क्रैशरां तों लै के समाज दा साडा वड्डा हिस्सा उह है जिहड़ा कानून दा पाबंद है, कानून दे अनुसार अपना कारोबार कर रहा है और उस कारोबार दे विच अपना जिहड़ा उह रोजी रोटी जिहड़ी आ उह कमा रहा है। एक तरह दे नाल इस पाबंदी दे नाल साडे वड्डे हिस्से दे रोटी रोजी दे उत्ते जिहड़ी आ पाबंदी लग गई है। इस करके इह अज दा जिहड़ा इह रोस एक्शन जिहड़ा इहदा सद्दा दित्ता गया जथेबंदियां ने मिल के इहदे विच क्रैशर यूनियन, इहदे विच किसान जथेबंदियां, साडी भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां, साडी जथेबंदी आ पंजाब किसान मजदूर यूनियन, भारतीय किसान यूनियन सरसा, बार्डर किसान यूनियन ते पट्ठा मजदूर यूनियन, होर जिहड़ियां जनतक जथेबंदियां ने इहदे विच जिहड़ियां शामिल ने, टिप्पर यूनियन इहदे विच शामिल है, इहनां सारिआं ने रल के रेता बजरी संघर्ष मोर्चा जिहड़ा कायम कीता उहदे वल्लों इह पहला जिहड़ा रोस एक्शन अज कीता जा रिहा जी। फस्ट है ये जिहड़ा साडा रेता ते बजरी मोर्चे की अजे शुरुआत है, अजे जिहड़ी लामबंदी असीं कर रहे हां, अज दा जिहड़ा एक्शन है ये कोई जिहड़ा एजीटेशन तों वध के ये एक तरह दे नाल प्रचार दा जिहड़ा एक्शन है लोकां तक प्रभावित समुचे लोकां तक उन्हां नूं एक आस बनाउण वास्ते एक सांझा जिहड़ा इक थड़ा है उहदी आवाज़ उन्हां तक पहुँचाउण वास्ते कि निराश उदास होण दी कोई लोड़ नहीं, तुहाडा जिहड़ा इस संकट है इहनूं हल करन वास्ते जथेबंदियां इकट्ठियां हो रहियां ने, चंगी शुरुआत हो गई है। इसे करके अज सारे प्रभावित लोग ने जिहड़े आपो अपने साधन लै के ट्रैक्टर ट्रालियां वाले टिप्परां वाले ते राज मिस्त्री मजदूर आपो अपने मोटरसाइकिल लै के उन्हां नूं सद्दा दित्ता वी आ के सड़क दे उत्ते खिलारो तां कि सारे प्रभावित लोगों तक गल जावे। सो उस तों बाद विच असीं बहुत जल्दी अगली मीटिंग जिहड़ी है एक दो दिन दे विच अज इत्थों असीं जिहड़ा सद्दा दे के जाणा, मीटिंग तय करके जाणी आ, उहदे विच अगला संघर्ष दा जिहड़ा असल दे विच असीं संघर्ष दी जिहड़ी शुरुआत आ उस मीटिंग तों बाद विच जिहड़ी आ उह करनी आ, उह मीटिंग फैसला करेगी जी। मेरा नाम खुशदेव सिंह है जी, ध्यानपुर क्रैशर दे आपां मालक हैगे आ। मेरे नाल साडे डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर दे विच सिर्फ 6 क्रैशर हैगे आ, 6 मालक आए हुए ने। रेता बजरी ते किसान यूनियन दा धरना सी जिहदे नाल साडा इन्हां ने साथ मंगिया ते असीं भी इहदे धरने दे विच शामिल होण वास्ते असीं आए हां ते साडियां अपनियां मजबूरियां हैगियां भी असीं क्यों आए हां। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਦੇ। 40 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 2 ਰੱਖੇ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
40-40 बंदे साढ़े क्रैशर तो जिहड़े आ उह मजदूर वेहले हो गए। सरकार दा जिहड़ा बदलाव हैगा ना जी, वह बदलाव यह हैगा ही जदों कांग्रेस सरकार आई ही ना वह भी आप बदलाव ही लैना चाहती ही। 430 तो रियालिटी उन्होंने 600 कर दिती, ये कहिंदे जी आपां बदलाव लिआना आ, इन्हां ने 600 तो 1000 रुपया कर दिती। बदलाव यह किया भी जे दुनिया माड़ी हैगी आ उहनूं होर माड़ा किया जाए, बाकी इन्हां दे तो कोई असर नहीं जांदा पैंदा पिया। आप भगवंत मान जी गड़बा खेले करते जाके उत्थे गुजरात में, इन्हां दी कोई तनखाह घट गई, इन्हां दा कोई TADA घट गया, इन्हां दा कोई फर्क नहीं पिया, साडा ही फर्क पिया। साढ़े 4 महीने तो क्रैशर बंद, साढ़े किसी बंदे ने गल ही नहीं सुनी, आन के किसी नुमाइंदे ने गल नहीं सुनी। नवी जी पॉलिसी लैके आ, देखो रेता जी कोई सस्ता नहीं जी, 600 रुपया रियालिटी पहले लेंदे ही, इन्होंने 900 रुपया रियालिटी की है। रेता रुता कोई सस्ते लोगों को तो मिल ही नहीं रही, साढ़े पंजाब के क्रैशर तो एक भी नहीं चलता ना रेता बजरी मिल रही है। जे उ हिमाचल चो तो GNK चो रेता लिया के आ रहा की गल, उ माइनिंग खुली है, उत्थे सरकार नहीं है, उत्थे NGT नहीं हैगी, उतों कितना रेता बजरी जी GNK तो हिमाचल से पंजाब आती है। मतलब कह कि हिमाचल इलेक्शन है, हिमाचल मतलब चलन दौ, हिमाचल में चलन दौ, पंजाब बंद कर दो, पंजाब तो जित लिया हूँ, हिमाचल जितना तो हिमाचल के लोगों उनके क्रैशर चलन दौ, उन्होंने रियालिटी चलन दौ। सत्त इन्हों कोई फर्क नहीं पाया जी, जे इन्होंने हिमाचल में भी जो रेता बजरी बिकती है तो यह 7-8 हज़ार रुपया गड्डी का पंजाब वाले ले लेंगे, इन्हों रेवन्यू तो आ रहा, पर साढ़े क्रैशर तो नहीं ना चल रही। जी साड़ी सरकार है ना जी, ये संघर्ष तो तैयार हुई ही, केजरीवाल संघर्ष तो ही तैयार होया ही, इस करके सानू भी संघर्ष से आना पेगा। फिलहाल आप सड़क के एक साइड पर बैठे हैं, अं किसी पब्लिक को आन जान तो कोई डके नहीं करते, एक साइड पर बैठे हैं। जो साढ़े 4 महीने तो क्रैशर बंद ना, तो जे थोड़ा जा समा होर लगेगा तो आप सड़क के गब्बे बैठा, सानू हक है नहीं जी, ये रामलीला ग्राउंड के जाके बैठ सकते तो आप सड़क के बैठा। मैं जी गुरप्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां ब्लाक पुराना शाला, शहीद बीबी सुंदरी जी गुरदासपुर। अज असी इत्थे जिहड़ा रेता बजरी संघर्ष मोर्चा उहदे बैनर हेठ सारे जिहड़े जिन्ना भी रेता बजरी दे नाल संबंधित तबका वा, जिन्ना प्रभावित तबका वह सारा इत्थे इकट्ठा होया, तो लगभग पिछले लंबे समय तो 6-7 महीने तो उत्तों जदों तो सरकार बनी है, तो यह जिहड़ा एक रेता बजरी दा जिहड़ा कारोबार है, इहदे नाल एक बड़ी वड्डी चैन वाइज जिहड़े स्टैप वाइज बहुत सारी जिहड़ी है लेबर ते होर जिहड़ा तबका जुड़िया वो प्रभावित हो रहा है, तो वो इस करके जिहड़ा पिछले लंबे समय के उत्तों अं जिहड़ा सरकार नूं आवाज़ पहुँचा रहे सी, अज भी अं जिहड़ा अपनी आवाज़ पहुँचाउण वास्ते इत्थे जिहड़ा बब्बरी चौंक बाईपास दे उत्ते एक प्रदर्शन जिहड़ा सरकार नूं अपनी आवाज़ पहुँचाउण वास्ते कर रहे हैं, साधन अपने खड़े करके ते नाल जिहड़े उन्हां दे नाल प्रभावित लोग ने लेबर वाले मिस्त्री वह सड़क के कंडे ते खड़े हो के आम लोगों नूं ये दस रहे ने कि असीं जिहड़ा वड्डा तबका इस तों प्रभावित आ, ते सरकार नूं जिहड़ा इहदे संबंधी माइनिंग संबंधी कोई जिहड़ा वधिया फैसला करके ते जल्दी तो जल्दी ये चालू करनी चाहीदी है। ते इहदे नाल नाल जिहड़ी किसानां दी जिहड़ी है माइनिंग जमीन की मिट्टी की माइनिंग की जाती है, तो नाल JCB वाले तो होर जो टिप्पर वाले उतो ही बहुत वड्डे प्रभावित ने, क्योंकि जिहड़ा किसान अपनी जमीन के मिट्टी चुकन तो भी बड़ा ये जो भी चुकता है जो जिस JCB वाला टिप्पर वाला मिट्टी चुकन वास्ते आता उदों भी परचे करके तो थाणे के डकया जा रहा, वो भी जिहड़ा ये जिहड़ी किसान अपनी जमीन में पद्धरी करने वास्ते भी जिहड़ा माइनिंग विभाग का जिहड़ा वड्डे परचियां का सामना करना पै रहा, उहदे रोस वजो भी अज जिहड़ा अं किसान यूनियन आते होर जिन्ने साडे नाल वीर ने वो सारे इकट्ठे हुए ने। इहदे नाल आवाजाई नहीं प्रभावित हो रही? नहीं बिल्कुल नहीं जी, आप साइड पर बैठे हैं एक सर्विस रोड के उत्ते, अज तो सिर्फ ये दसन वास्ते बैठे हैं भी आने वाले समय के जे यदा कोई हल ना हो ते जे केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार ने ये बारे कोई ना सोचा तो फिर ये जिन्ना समूह है तो कई गुणा वड्डा समूह करके तो आप फिर सड़क भी रोकांगे होर भी जो कुछ होया करांगे। हुण तक किन्ने क परचे जिहड़े ओह माइनिंग दे इह ना है? लगभग 150 जिहड़ी है टिप्पर जिहड़ी है ओह जिहड़ी है तारागढ़ थाने दे विच जिहड़ी है उह तों प्रभावित हो के डकी होई है साडे वख-वख थाणियां दे विच। इत्थे पिछले पिछले दिनां दे विच गुरदासपुर दे विच भी आपां माइनिंग विभाग के खिलाफ 3 दिन का धरना जिहड़ा लाया, JCB वाले जिहड़े वीर उन्होंने भी इकट्ठे होकर काफ़ी जिहड़ा संघर्ष किया, परंतु हुण जिहड़े सारे वर्ग इकट्ठे होकर तो जिहड़े तो जिन्होंने ये चीज़ां वरतनियां ने रेता बजरी उन्होंने भी सारे आपां लामबंद कर रहे हैं, क्या वो सारे ये इस मुद्दे के उत्ते इकट्ठे होकर वड्डा संघर्ष करिए, जां सरकार ये उत्ते जिहड़ी उसारी का जिहड़ा काम है वो कोई होर दिशा निर्देश दे कि लक्कड़ के बनाने जां कि होर चीज़ के होर किसी धात तो बनाने, तो जे रेता बजरी तो इट्टां तो बनाने ने तो फिर यहाँ प्रबंध करके दिता जाएगा।